Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वैजयंती या वैजयंती एक पुष्प का नाम है जिससे वैजयंती माला बनती है। यह माला श्री कृष्ण और विष्णु को सुशोभित करती है। वैजयंती माला का शाब्दिक अर्थ है विजय दिलाती हुई माला या विजय दिलाने वाली माला। वैजयंती माला की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। ये श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। इस माला से श्री कृष्ण मंत्रों का जाप किया जाता है। इसे गले में धारण करना शुभ माना गया है। यह माला भगवान श्री कृष्ण की प्रिय 6 वस्तुओं में से है, गाय, बांसुरी, मोरपंख, माखन, मिश्री और वैजयंती माला। कहा जाता है जो भी मनुष्य इसे धारण करता है उसे जीवन में शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है। वैजयंती एक पौधे का नाम भी है। इसके पत्ते हाथ भर तक लंबे और 4-5 अंगुल चौड़े होते हैं। इसमें टहनियां नहीं होती हैं। यह हल्दी और कचूर की जाति का पौधा है। इसके सिर पर लाल और पीले फूल लगे होते हैं। फूल लंबे और कई दलों में होते हैं और गुच्छों में लगते हैं। इसके काले दाने कड़े होते हैं जिसमें लोग छेद करके माला बनाते हैं। एक दूसरा मत यह है कि वैजयंती के पत्ते हाथ भर तक लंबे और 1 इंच चौड़े होते हैं। इसमें टहनियां नहीं होती। केले की तरह कांड सीधा ऊपर की ओर जाता है। इससे कोई फूल नहीं आता। एक बीज फली के साथ निकलता है। बीज से ही जुड़ा हुआ पराग होता है। कुछ लोग वैजयंती को कैनी लिली भी समझते हैं किंतु दोनों पौधे अलग हैं। वैजयंती के पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बीज में माला बनाने के लिए कोई छेद नहीं करना पड़ता। यह माला भगवान विष्णु जी की सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है। यह जानकारी आप तक शैलजा ध्यानी द्वारा पहुंचाई गई।